मीटिंग रिकॉर्ड कर, मीटिंग रिकॉर्ड कर। Hi guys, good morning. This is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. आज है 2nd May and आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी और जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था that we are planning a surprise get together at my place. That is we sisters planned it and आज है वो दिन, आज है get togethers. तो माय बुआ सन्स एंड माय बड़े पापा के बेटे यानी मेरे ताऊजी के बेटे, ये तीन फैमिलीज आज आने वाली हैं और पूरा खाना मैंने बनाया है, बनाया क्या है, बनाने वाली हूँ, तैयारियाँ हो चुकी हैं, दैट इज़ चॉपिंग ऑफ द वेजीज, ये सारा मैंने कल रात ही करके फ्रिज में रख दिया था सो दैट ईजिली आज मेरा काम हो जाए. एंड या सो प्रिपरेशन आर गोइंग ऑन, मेरे रूम की साफ सफाई हो रही है, चेंजिंग ऑफ बेड शीट्स एंड आकृति इज हेल्पिंग मी इन क्लीनिंग द हाउस. ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, लंच कुछ सिंपल लंच रखने वाले हैं, मे बी सम दलिया पुलाव या फिर खिचड़ी, समथिंग वेरी सिंपल क्योंकि रात को बहुत हैवी होने वाला है. मेन्यू क्या है, डिनर में क्या क्या बनने वाला है, ये सब आपको बताऊंगी. तो गाइज मैंने प्लान किया है कि एक सेल्फ काउंटर रख देंगे, सेल्फ हेल्प काउंटर, यानी कि एक टेबल सेट कर दूंगी जहाँ पे खाना बनने के बाद सारा कुछ वहाँ पे सेट कर दिया जाएगा. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल डिस्पोजेबल बिकॉज माय मेड इज़ गिवन मी शॉक ऑफ 15 डेज की छुट्टी, शी इज़ गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर 15 डेज एंड सो इसलिए आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल डिस्पोजेबल स्टफ सो दैट इट्स ईजी फॉर मी, दैट इज़ द आफ्टर पार्टी वर्क इज ईजी फॉर मी टू मैनेज. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपने काम काज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक हू इज क्लीनिंग. हाय गाइस, अब परी कर रही है सफाई. यस, यू फाइंड इट फन? Yeah, I mean, I like it. I just imagine the after results and I know it's going to be so peaceful sitting in my room with a candle on. It's going to be so peaceful. Yeah, after that, what are you going to do? 2 minutes later, you're just going to mess it up. No, that's not my job, guys. It's Dheer's job. No, it's not my job, okay, guys. Okay, cool. Let me clean. ये मेरे फ्लास पंखे की हवा से बार बार उड़ रहे हैं. ये उड़ क्यों रहे हैं इसमें से निकल के? Very light, no bougainvilleas. Yeah, but हमने आज से पहले भी तो रखे ही हैं. मैं आपको इसका आगे का लुक दिखाती हूँ. यहाँ पे रखी है एक कैंडल, ये मेरे बुद्धा जी, नॉट बुद्धा जी, इट्स अ स्टैच्यू डूइंग अ योगा पोज एक्चुअली, आई जस्ट लव्ड इट. सो ये है और ये मेरे फ्लावर्स मैंने यहाँ रखे हैं जो बार बार उड़ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई. तो घर पूरा सेट होने के बाद आ गई हूँ मैं किचन की, किचन में आई मीन खाने की तैयारी. और ये बन रही है दाल यहाँ पे. हमारी जो दाल है दैट इज़ मोर लाइक सांबार एक्चुअली, इसमें मुरंग का दैट इज़ सिंग फली वगैरह डलती है, दैट इज़ ड्रम स्टिक. बस फ़र्क ये है कि सांबार में अनियन वगैरह डलते हैं, इसमें हम अनियंस नहीं डालते. यू कैन कॉल इट एज द जैन सांबार बेसिकली बिकॉज बाकी सारा प्रोसीजर वही होता है, बस सांबार मसाला और अनियंस वगैरह नहीं डलते हैं, इमली का पानी, बाकी सब प्रोसीजर सेम है. सो ये यहाँ पे बन रही है दाल और आई मीन दाल की तैयारी हो रही है. यहाँ मैंने भिगो दी है दाल, इसको बॉईल करूँगी, फिर जब तक ये ग्रेवी रेडी हो जाएगी दैट इज़ ड्रम स्टिक वगैरह सीख जाएगी, फिर ये बॉईल होते ही इसको उसमें ऐड कर दूँगी. तो ये मैंने लॉफ्ट से मेरी बड़ी कढ़ाई निकाल ली थी जिसमें मैं यूजुअली मक्खन मेल्ट करती हूँ, घी बनाती हूँ इस कढ़ाई में और यूज़ होने के बाद इसको लॉफ्ट में पैक कर देती हूँ. एंड एज एंड व्हेन आई नीड आई टेक दिस आउट. तो इसमें मैंने तैयारी की हुई है पनीर की, बन रही है पनीर की सब्ज़ी और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे और इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा. सो दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग एट द मोमेंट. और दाल है तो ऑफकोर्स चावल भी होंगे. सो यहाँ मैंने राइस सोक कर दिए हैं, ये जितनी ज़्यादा देर सोक रहेंगे उतने अच्छे लंबे खिले खिले बनेंगे और टाइम भी जल्दी, टाइम भी कम लगेगा बनने में. तो ये है हमारा मल्टीपर्पज़ टेबल, आपको पता ही होगा, आपने कहीं पोस्ट में देखा भी होगा, बस अब इसको कवर करेंगे. ये बेसिकली हमारा आयरन टेबल है जो काफ़ी साल पुराना है. इस घर का मैक्सिमम फर्नीचर या तो इट्स एज ओल्ड एज माय वेडिंग या फिर एज ओल्ड एज आकृति.
ओके गाइज, दिस इज़ द मल्टीपर्पज़ टेबल जो मम्मा ने कपड़ा ऐसे बिछाया है, एंड दिस इज़ हर कोई भी पूजा गेट टुगेदर और बर्थडे, दिस टेबल इज़ ड्रेस्ड अप लाइक दिस एंड द सेफ्टी पिन्स. इट्स इट लुक्स नीट, सो दिस इज़ हाउ वी पिन इट. ये पीछे का हिस्सा है, सो दैट डजंट मैटर इतना. दिस इज द फ्रंट पोर्शन. आगे डेकोर करेंगे या आगे डेकोर होगा, ठीक है. सो दैट इज इट. ओके गाइस, इसका बेस रेडी हो चुका है. अब मैं इस पे लगाऊंगी मेरा बैकड्रॉप, बिकॉज ये जो है ये हमारा आयरन टेबल है और इसके अंदर फोम है, सो इसके ऊपर मैं अगर कुछ भी सर्व करूंगी वो 100% गिरेगा. सो मेक इट, टू मेक इट मोर स्टर्डी, इस पर मैं अपना बैकड्रॉप फिक्स कर रही हूँ ताकि ये एक स्टर्डी बेस बन जाए टू सर्व फूड. लेकिन एट द सेम टाइम आई कॉन्ट टेक द रिस्क ऑफ स्पॉइलिंग माई बैकड्रॉप, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई मैट्स बिछा दूंगी ताकि मेरा बैकड्रॉप सेफ रहे. पर ही पुरानी वाली डाइनिंग टेबल मैट्स दे दे, इससे क्या है, इससे मेरा बैकड्रॉप सेफ रहेगा. इट्स ओके, अंदर अंदर धकेल दे, ऑल द मोर बेटर एक्चुअली. ऐसे रख देते हैं. नो दिस साइड नो, इट्स नॉट फुली कवर्ड है. नो नो, तो हम हाँ वही कह रही हूँ ना. ओके गाइस, सो टेबल रेडी हो चुका है एंड वी प्लेस द मैट्स ऑन टॉप ऑफ द बैकड्रॉप एंड दैट्स द ट्रे व्हिच विल हैव द स्पून्स, द टिश्यूज एंड कप्स मे बी. एंड नाउ वी चेकिंग आउट द प्लेसमेंट कि सब अच्छे से आ रहा है. इज इट लुकिंग एलिगेंट एंड नीट? या इट्स मोर देन एनफ. या And guys, trust me, I think it looks very pretty. Like, we know that these are coasters. That's why it's looking a little odd. But otherwise, it looks really pretty. Ek third person aspect ya point of view se dekhoge, it won't look like you've actually put coasters on the backdrop. Yeah, pari, sare white kar dete hai na, because plate white hai na. Yeah, okay. So, sare holes white kar dete hai. Okay. तो गाइज ये टेबल का सेटअप हुआ है. अभी टेबल का आगे का डेकोर बाकी है. मैं आई डेकोर करूंगी या सिर्फ उसको एक क्लॉथ से कवर करूंगी, मैंने अभी तक सोचा नहीं है. दिस इज वेयर वी आर प्लानिंग टू सेट द टेबल. परी मैं भूल जाऊंगी बेटा, मेरे सर पे 10 काम है, इस पे मैट लाके बिछा दे. दिस शुडंट लुक बैड प्लीज. सो यहाँ पे टेबल सेटअप होगा और यहाँ पे एक मुड्डा रख दूंगी या एक टेबल रख दूंगी जिसके ऊपर डिस्पोजेबल प्लेट्स आएंगी. एंड या परी फाइनल बाकी तू हैंडल कर रहेगी. मैं किचन में जाऊँ वापस. ओके बस उस पे मैट बिछा दे. ये इसको कवर कैसे करना है विल फिगर दैट आउट लेटर. ओके यहाँ तैयारी चल रही है शीर खुरमा की. एक्चुअली मुझे शूट करनी थी शीर खुरमा फॉर माई इंस्टाग्राम पोस्ट, बट उसके लिए मैं शूट नहीं कर पाई. आई थॉट इट्स ओके, आज के दिन बना लेती हूँ. सो ये बन रहा है शीर खुरमा. सो दिस सिजलिंग नॉइज इज ऑफ द भिंडी. यहाँ पे भिंडी बन रही है, यहाँ पे भिंडी फ्राई हो रही है, यहाँ पे खीर बन रही है, यहाँ पे भिंडी का मसाला बनेगा. भिंडी फ्राई हो चुकी है और यहाँ भिंडी का मसाला भी रेडी हो चुका है. पनीर भी बन चुका है और अब बन रही है पोरियल, बीन्स की पोरियल बन रही है. एंड ये खाएंगे दाल चावल के साथ. गाइस खाना बन चुका है सारा और किचन मैंने ऑलमोस्ट साफ कर दिया है. बस ये ठंडे पानी की कैन भरनी है एंड आई विल गिव यू अ लुक कि बना क्या क्या है. सो इसमें है दाल. सो ये बनी है दाल. इसमें है शीर खुरमा या सेवैया की खीर, सेवैया की खीर कह लो आप. और इसमें है पनीर की सब्ज़ी. इसमें है पोरियल, बीन्स की पोरियल टू हैव विद दाल चावल. और इसमें है भिंडी, भिंडी मसाला. इसमें है कट मैंगो पिकल, इंस्टेंट मैंगो पिकल साउथ इंडियन स्टाइल टू हैव विद दाल चावल. बहुत यम्मी लगता है. इसमें है राइस. पूड़िया गरम गरम उतरेगी और कचौड़ी अभी तक आई नहीं है, कचौड़ी आने वाली है. सो दैट्स इट. ये मैंने जस्ट दूध गरम करके रखा है इन केस किसी को चाय कॉफ़ी पीने का मन हो तो. बस अब मैं जाऊंगी नहाने एंड देन आई विल आल्सो गेट रेडी.
How I like my kitchen. Guest आने से पहले I want the kitchen countertop to be free. No mess, nothing around. Happy anniversary, mummy. Happy anniversary, papa. Happy anniversary, papa. चलो आओ आओ चलो मम्मी पापा चलो आओ आराम से बैठो साथ में बैठो साथ में मम्मी हटो वहां से हटो थोड़ा बीच में चले जो आप पापा हाँ पापा चलो साथ में बैठो पापा यहाँ देखो मम्मी यहाँ देखो हाय बोलो हाय ऐसे ऐसे करो नाइस मॉम डैड के सेटल होते ही माय भैया भाभी केम एंड ही इज माय बुआज सन एंड माय बुआज डॉटर इन लॉ एंड क्या टाइमिंग था लाइक उनके सेटल होते ही दे केम एंड माय पेरेंट्स वर लाइक शॉक्ड दे कुडंट सिंक इट इन दे डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट दे डिडंट रियलाइज कि अच्छा ये सरप्राइज प्लान है माय मॉम वाज वंडरिंग कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए इनको एड्रेस कैसे मिला बट दे वर वेरी 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 हैप्पी सो यहाँ चल रही है जूम मीटिंग विद माई सिस्टर्स उनके बच्चे एंड हस्बैंड्स एवरीवन विद माई जीजूज एंड एवरीवन एंड दे कुडंट बी हियर फिजिकली सो वी एंश्योर टू मेक देयर वर्चुअल प्रेजेंस ऑन दिस मोमेंट तो दे वर अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट थ्रू आउट द इवनिंग किचन में लगी हुई थी सारे बड़े यहाँ बातें कर रहे थे वेटिंग फॉर अदर्स टू जॉइन इन ताकि खाना पीना शुरू करे केक कटिंग शुरू करे और मीनवाइल धीर एंड माय सिस्टर कल्पना हैप्पीली चिलिंग इनसाइड द रूम एंड वॉचिंग दिस मूवी कमेंट करके बताइएगा कौन सी मूवी है इट्स वन ऑफ एवरीवन्स फेवरेट अब स्टार्ट कर रहे हैं सेलिब्रेशंस एंड आ गए थे मेरे ताऊजी के बेटे उनके मेरी भाभी और उनके बच्चे एंड मेरी जो सिस्टर्स हैं माय नीज नेव्यूज माय जीजूज सब जूम मीटिंग में वर्चुअली प्रेजेंट थे वहाँ पे दो दे वर मिसिंग बीइंग हियर बट दे वर देयर थ्रू आउट द सेलिब्रेशन वर्चुअली वो वाली माला देना धीर मीटिंग रिकॉर्ड कर अच्छा हाउ डू यू नो यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड पहले फोटो हां रिकॉर्डिंग रुको एक मिनट रुको नानी अच्छे से स्माइल करो मम्मी अच्छी तरह मॉम को इस मोमेंट से ज़्यादा खुशी और परवाह इस बात की थी कि माई सिस्टर्स एंड देयर फैमिली इज़ देयर ऑन द जूम मीटिंग उनसे बात कर रही थी वी वर एक्सचेंजिंग गार्लेंड्स आई मीन मेरे भैया भाभी एक्सचेंजिंग गार्लेंड्स बिकॉज उनकी भी आज एनिवर्सरी है ये मेरे ताऊजी के बेटा बहू हैं माई ओन ताऊजी सो इनकी भी आज एनिवर्सरी है सो वी वर सेलिब्रेटिंग आई मीन उनका भी केक कटवा रहे थे एंड उनसे भी गार्लेंड एक्सचेंज करवा रहे थे एक दिन छोड़ दे
मम्मी मम्मी बाय बाय हाँ बाय पापा बाय 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 माँ बाय माँ हाँ बाय का सो दिस अक्का इज़ बेसिकली माई डैड्स केयर टेकर. इनको भी हमने यहीं बुला लिया था कि आप डिनर करके ही जाना यहाँ से. सो शी वॉज ऑल्सो हियर फॉर द डिनर. तो यस गाइज पोस्ट गेट टुगेदर काम ख़त्म हो गए हैं. जस्ट अभी सारा सामान उठा के किचन क्लीन करके आके बैठी हूँ. डेड 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 टायर्ड बट हैड अ ग्रेट टाइम. रियली रियली हैड अ wonderful time. My parents were so happy. They were not expecting this surprise. और जब surprise open हुआ they didn't know how to react. They couldn't sink it in. They were very happy. And my mom kept saying तुम लोगों ने मेरे से मुझे धोखा दिया मुझे बताया भी नहीं. तो हम लोग उनको बोल रहे थे ये धोखा नहीं है surprise होता है. So she was very happy. Both my parents, mom, dad were very happy. So yeah, that makes it all worth doing, worth taking all the efforts of organizing the get together. So yeah friends, that's all. I hope you liked watching it, and if so please consider to subscribe this channel and do like, share, comment and subscribe. And don't forget to follow me on Instagram for all the latest updates. Madden Laddle is my account. So that's all for this video. See you again on a new day with a new vlog. Until then, take care, bye bye.